क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में एक ऐसा भी मंदिर है जहां गोस्वामी तुलसीदास दर्शन करने के लिए स्वयं आए थे। तो जय सीताराम गाइस, तो आज का वीडियो जो कि हनुमान टेंपल का होने वाला है, तो ये टेंपल कनाड प्लेस में स्थित है। ये टेंपल का निर्माण महाभारत के युद्ध के बाद पांच पांडवों ने मिलकर दिल्ली में ऐसे पांच प्राचीन मंदिरों का निर्माण किया था, जिनमें से एक मंदिर ये भी है। और ये इतना शक्तिशाली मूर्ति है और यहाँ हनुमान जी अपने स्वयं बाल स्वरूप में स्थित हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर कई भक्तों ने अनुभव किया है कि हनुमान जी की मूर्ति, तो गाइस मंगलवार के दिन ये मूर्ति सच में अपना स्वरूप बदलती है। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपकी सारी इच्छाओं का छुटकारा पा सकते हैं, इतनी शक्तिशाली है टेंपल है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में स्वयं अकबर भी दर्शन करने आए थे महाभारत के युद्ध के बाद। तो गाइस ले चलते हैं और सारा नज़ारा आपको दिखाते हैं, महिमा क्या क्या महिमा है इस हनुमान टेंपल की। तो गाइस अब नज़ारा आपको दिखाने वाला हूँ बाहर का, और बाहर का नज़ारा बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगा। अगर आप हनुमान टेंपल आना चाहते हैं और आए हैं तो यहाँ पर हनुमान कचौड़ी खाकर ज़रूर जाएं। ये भगवान का बहुत ही अच्छा प्रसाद बताया गया है यहाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हनुमान कचौड़ी के नाम से बोर्ड लगा है। और यहाँ पर बहुत भारी संख्याल में यहाँ पर श्रद्धालु हनुमान कचौड़ी खाकर ही जाते हैं। और यहाँ की महिमा तो आप जान सकते हैं, यहाँ पांच पांडव द्वारा ये प्राचीन मंदिर बनाया गया। तो और यहाँ पर अगर आप प्रसाद भी ले सकते हैं, मंदिर के बाहर प्रसाद भी ले सकते हैं और पैसा चढ़ाना चाहते हैं तो गुप्तदान भी कर सकते हैं। और यहाँ पर गाइस आपको जूते चप्पल के लिए सारी सुविधा, और मंगलवार को खास भगवान का अनोखा भंडारा, जो आप भंडारा भी पा सकते हैं। और कोई लाइन नहीं, कोई एकदम अद्भुत प्रसाद यहाँ पर आपको ग्रहण करने को मिलेगा। और यहाँ पर आज इतनी ज़्यादा संख्या में भीड़ है जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज है मंगलवार का दिन और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पधारे हैं। और ये सामने जो आप देख पा रहे थे ये VIP एरिया है, यहाँ से VIP लोग जा सकते हैं मंदिर के, और कोई लाइन नहीं करनी पड़ेगी इनको। और यहाँ पर लाइन करके अगर आप जाएं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। ये प्राचीन मंदिर की एक अद्भुत जो दिखाई गई भक्तों का प्यार है वो यही है। और देख सकते कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है आज। और यहाँ पर अगर आप कुछ खाना पीना भी चाहते हैं तो आपको खाने पीने के लिए भी बहुत सारा नज़ारा देखने को मिलेगा, जैसे कि मैगी, ब्रेड पकौड़ा, बहुत सारे आइटम यहाँ पर मिल जाएंगे बहुत ही कम रेट में। जैसे कि आप देख सकते हैं मैगी 40 रुपए की फुल प्लेट है, और पूरा इंजॉय कर सकते हैं आप यहाँ मंदिर पे आके। और बराबर में आपको भगवान शंकर के और भगवान शंकर का और गणेश जी का पूरी फैमिली के दर्शन भी आपको यहाँ पर हो जाएंगे। और यहाँ पर जस्ट बराबर में दो टेम्पल हैं जो कि नवग्रह के नाम से स्थित है। ये बाल गणेश के नवग्रह थे, उस दौरान यहाँ पर बनाया गया है, और ये भी उसी दौरान बनाया हुआ एक अद्भुत टेम्पल है। और यहाँ पर जो भगवान की ऊपर का जो गुंबद आप देख पा रहे हैं, नीलकंठ अगर आप गए होंगे उसी की डिजाइन में यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये देख पा रहे हैं कितना सुंदर डेकोरेट किया गया है सारा नज़ारा। तो गाइस अगर आप भी आना चाहते हैं तो आपका नियर मेट्रो स्टेशन राजीव चौक की पैदल वॉकिंग पर आप यहाँ पर आ सकते हैं, कोई रिक्शा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो लाइक और शेयर तो आप करते ही नहीं हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो गाइस इसी प्रकार आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। लव यू सो मच गाइस, मिलते हैं एक नए